नमस्कार, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। मोटिवेशन प्लस वन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए जो कि हमें एक सरकारी नौकरी दिलाएगी। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी नौकरी को पाने के लिए क्या मोटिवेशन होना चाहिए। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि आपको खुद को जगाना होगा। और विवेकानंद की मुझे वो पंक्ति याद आती है कि उठो, जागो और रुको मत तब तक जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। यानी उन्होंने उठो फिर कहा जागो, क्यों कहा इसको समझिए। उठो का मतलब है पहले उठो, उसके बाद क्या है जागो। जागो का मतलब अंदर से जागो। उसके बाद रुको मत तब तक, यानी चलते रहो, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इसको, इस सेंटेंस को अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। उठो का मतलब होता है कि सबसे पहले किसी चीज़ को करने के लिए प्रयास करो। जागो का मतलब होता है किसी चीज़ को दिल से करो। और रुको मत तब तक का मतलब होता है कि जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, दिन रात मेहनत करके उसके पीछे पड़े रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, आप तमाम विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे होंगे, मैं केवल रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में ही नहीं बात कर रहा हूँ, तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बड़े लेवल पे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, अपने आप को लक्ष्य के प्रति केंद्रित करना। जब तक आपने अपने आप को लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं किया है, समझ लीजिए आपको वो लक्ष्य कभी मिलेगा भी नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि अगर आप सपने देखते हो रात में, तो उसको सुबह उठकर उसको हकीकत में बदलने की कोशिश करो। क्योंकि हम में से तमाम लोग ख्याली पुलाव तो दिमाग में पका लेते हैं, ख्याली पुलाव तो दिमाग में बना लेते हैं, लेकिन उसे सार्थक करने के लिए हम उसका 10%, यहाँ तक कि 5% भी नहीं करते हैं। यदि हम जो सोचते हैं अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, तो हमें 100% सफलता मिलेगी। लेकिन ना तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ना तो हम अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हैं, तब आपको लक्ष्य मिलेगा कैसे। फिर तो अच्छा है कि आप इन चीज़ों को छोड़ ही दीजिए। बहुत सारे बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, खासकर जैसे अभी NTPC और ग्रुप डी की परीक्षाएँ आने वाले समय में होंगी, उसमें करोड़ों परीक्षार्थी हैं, कितने बच्चे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखकर डर जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहूँगा कि मुश्किलों के दौर में जब चुनौतियों का आगमन होता है तब मज़ा और आता है। यानी जब मुश्किलें बढ़ेंगी, जब चुनौतियाँ आएंगी, उसमें जब आप लड़कर सफलता प्राप्त कीजिएगा, तो आपको जो खुशी प्राप्त होगी, उस खुशी का एहसास आपको फिर किसी भी क्षण प्राप्त नहीं होगा। उस खुशी का एहसास इतना अच्छा होगा, इतना मधुर होगा कि आप उसे अपने जीवन के सबसे सुनहरे पल में रखिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। आप तमाम विद्यार्थी जो NTPC और ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या तमाम दूसरे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IIT की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में सफलता प्राप्त करने के लिए अथाह मेहनत की आवश्यकता होती है। और मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। यदि आप मेहनत मतलब बिना गाइडेंस के कर रहे हैं, बिना दिशा निर्देश के कर रहे हैं, तो उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। मैं NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड तमाम विद्यार्थियों को यह सजेशन देना चाहूँगा कि आप किताब कम से कम रखें और उस किताब का रिवीजन करें। क्वालिटी आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी कम होना चाहिए, और लगातार उस चीज़ का रिवीजन करें। बाकी सारी चीज़ों को, डेविएशन को अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि ये सारे डेविएशंस आपको बर्बाद कर देंगे। और आप यदि रोना गाना चालू रखते हैं कि नहीं, नौकरी बड़ा स्थिति ख़राब है,
मैंने नौकरी है ही नहीं, सरकार निकम्मी है, सरकार मेरे लिए ये व्यवस्था नहीं की है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो आप रोते गाते रह जाइएगा। आपके पास जो भी विकल्प मौजूद है उन विकल्प में आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है उसका आकलन करते हुए आप उस पर मेहनत कीजिए और एक सीट पक्की कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। देखिए अभी आपकी NTPC में 35,000 से 55,000 सीटें बढ़ गई और इसका नोटिफिकेशन भी आएगा। ग्रुप डी में 1,00,000 से ऊपर सीटें हैं, तो जब आपको 1,00,000 से ऊपर सीट है और उसमें महज एक सीट बुक करना है, आप रिजर्वेशन को गोली मारिए कि OBC का 28% आरक्षण है, SC ST का इतना आरक्षण है, जो EWS कैटेगरी का इतना आरक्षण है। अगर आपने जनरल कैटेगरी से भी फॉर्म भरा है, आप दिन रात एक कर दीजिए, आप अपना पेपर बेस्ट देकर आइए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। एक चीज़ याद रखिए, सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, अपने आप से बात करना। जब तक आप अपने आप से बात नहीं करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, अपनी कमजोरियों को सुधारना, जो चीज़ें आ रही हैं आप उसका रिवीजन कीजिए, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसको सीखिए, और जितना टेस्ट दीजिए, जितना मॉक टेस्ट दीजिए, जितना टेस्ट सीरीज से गुजरिए, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप में से जो भी परीक्षार्थी जुड़ना चाहेंगे तो ज़रूर जुड़िए। आपको जहाँ से जुड़ने का मन करता है जुड़िए, लेकिन पढ़िए, कम किताबें रखिए, ज़्यादा रिविज़न कीजिए, अपने को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, अपने को अपने खान पान में भी विशेष सुधार कीजिए, योगा कीजिए, योगा में बहुत सारे योगा हैं, प्राणायाम कीजिए, ताकि आपका मन मस्तिष्क स्वच्छ रहे, मन मस्तिष्क सुदृढ़ रहे, क्योंकि स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। यदि आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आप मेंटली फिट रहेंगे, जब आप मेंटली फिट रहेंगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो जितने भी लोग मुझसे जुड़े, मेरी केवल आपसे यही अपील है कि लक्ष्य को भेदने की कोशिश कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, और तब तक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए जब तक वो लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, विवेकानंद ने जैसा कहा था कि आपके नस नस में बस केवल आपका लक्ष्य नज़र आना चाहिए और कोई चीज़ नज़र नहीं आना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आज की इस YouTube वीडियो देखने के लिए आप तमाम YouTube दर्शकों का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन लगाकर पढ़ाई करें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मुझसे जुड़ें। आज की इस यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मेहनत आपको सफलता दिलाएगी।